हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से फ्रेंड्स कैफे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की वीडियो लेकर आए हैं, जिसे देख करके आप आराम से बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सरल आईडी लॉगिन करनी होगी। लॉगिन में पहले एक रखी है, उसके बाद हम जाएंगे अप्लाई फॉर सर्विसेज, उसके बाद व्यू ऑल सर्विस पे जाएंगे। यहाँ आपको लिखना है बर्थ। बर्थ लिखने के बाद आपके पास चार सर्विसेज खुल जाएंगी। तो जो फोर्थ नंबर पे सर्विसेज है, बर्थ डेथ नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। तो अगर हमारे पास फैमिली आईडी है और उसमें बच्चे का नाम है, तो उसमें आप आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद डू यू स्टे इन हरियाणा, तो जिस भी स्टेट का बना रहे हो तो उसका आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद आपने जो भी सर्विसेज अप्लाई करनी है, बर्थ है या डेथ है, उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर देंगे, हिंदी। उसके बाद हम बर्थ ईयर बच्चे का डाल देंगे, मंथ डालेंगे, डे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर देखो बच्चा अगर घर पे हुआ है तो डोमिसाइल, और किसी इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में हुआ है तो यहाँ पर हम संस्थानिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद रूरल में है इंस्टीट्यूट या फिर अर्बन में है तो वो आप क्लिक कर दीजिए। हम यहाँ पर अर्बन पे क्लिक कर देते हैं। अब हॉस्पिटल प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, उस पर आप क्लिक करिए। तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस टाइप का है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है या कमांड हॉस्पिटल है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ क्लिक करिएगा। तो वो कस्टमर जो आया है वो बता देगा आपको कहाँ बच्चा पैदा हुआ है। तो हम यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूज करेंगे हम। यहाँ पर ये तीन मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं जहाँ जिस एरिया में हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा पंडित, जो भी है उसमें हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो ये आ गया। उसके बाद जन्म स्थान हिंदी का है, ये हिंदी का हम बाद में फिल कर लेंगे, पहले इंग्लिश का करेंगे। तो ये यहाँ पर टाउन आ जाएगा जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ था, वो टाउन का नाम भर देंगे। उसके बाद वहाँ का जो पुलिस स्टेशन लगता है वो पुलिस स्टेशन भर देंगे। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दोबारा से यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद उसका नाम जो है वो आप यहाँ पर इंग्लिश में भरिएगा। जेंडर मेल फीमेल, फादर नेम। उसके बाद मदर नेम। उसके बाद आप देखेंगे वे बर्थ क्रम कौन से नंबर का बच्चा है, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। दूसरा, तीसरा है, पहला, ये हिंदी में नाम है, ये हम बाद में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, मेल आईडी अगर आप भरना चाहें, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, भर दें, अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट, मदर फादर में से जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम भर देंगे। यहाँ पर पूरा एड्रेस, तो हमने इंग्लिश का लगभग सारा भर लिया है हमने। अब हमारे जो बॉक्स रह गए हैं उसमें हिंदी भर देंगे। उसके लिए आप यहाँ गूगल हिंदी इनपुट डाउनलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ हिंदी में आप हिंदी के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पे हिंदी में जो रह गया है वो भर दीजिएगा आप।
दोस्तों ये हमने हिंदी में नाम भर लिया है, तो यहाँ पर हम जो टाउन है उसको एक बार यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर शहर का नाम हिंदी में वहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये हिंदी में नाम आ गया है। फादर का नाम हिंदी में, मदर का नाम हिंदी में, और दोस्तों यहाँ एड्रेस है वो भी हिंदी में ही भरना है हमें। ये हमने हिंदी में भी एड्रेस भर दिया है। अब यहाँ इसको हम वापस दोबारा इंग्लिश कर लेंगे और यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। ये दोस्तों हमने पूरी डिटेल इसमें फिल कर दी है। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अटैच अनेक्सर, जहाँ यहाँ पर हम जो भी एप्लीकेंट है, मदर फादर है, उसका आधार कार्ड, उसकी पीडीएफ बना करके यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप सेव एन एक्सेल करके फीस काट दीजिएगा और रिसीव वहाँ से आप निकाल लीजिएगा, और कुछ दिनों के बाद अप्रूव होने के बाद आपके सरल आईडी से ही बर्थ सर्टिफिकेट निकल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।